But doesn't mean you say, oh, we'll be cutty forever. You like, you grow up, yeah. You're happily married. You're happily married. Everyone has kids. You know, so it's. दोस्तों, Bollywood एक अतरंगी दुनिया है, जहाँ पर सेलेब्स अतरंगी फोटोशूट्स कराने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। सेलेब्स के अतरंगी फोटोशूट्स काफी जल्द ही मीडिया और इंटरनेट पर वायरल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन सेलेब्स को काफी क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ जाता है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही फोटोशूट्स के बारे में जिनकी वजह से सेलेब्स को काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। अगर तू बुरा ना माने तो अपना मुंह मीठा कर ले। अब भैया को सही रास्ते पे लाना चाहती है कि नहीं? बस ऐसा ही हो। गोविंद और जूही चावला अपने टाइम के टॉप एक्टर्स रह चुके हैं, जिन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया है, पर इस फोटोशूट में इन दोनों का अलग ही रूप देखने को मिला था। कुछ लोगों का कहना था कि इस फोटोशूट में दोनों एक्टर्स किसी ह्यूमन गिफ्ट रैप से कम नहीं लग रहे थे। पता नहीं इन कॉस्ट्यूम्स को किसने और क्यों डिजाइन किया होगा। अब वो तो स्टे कर गया और फिर वो वापस ऊपर देखा एंड ही सेड ये यश चोपड़ा की हीरोइन है। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दें कि तब्बू की एल्डर सिस्टर फरानाज ने भी एक ऐसा फोटोशूट कराया था, जिसकी वजह से फरानाज को काफी क्रिटिसाइज किया गया था। इस फोटोशूट में एक्ट्रेस मेल मॉडल की आर्मपिट की तरफ अपना फेस करके पोज देती हुई नजर आ रही हैं, और पता नहीं ये पोज क्या बताने की कोशिश कर रहा है। सोचिए जरा, अगर यहाँ पर एसी बंद होते तो फरानाज का क्या हाल होता। लेकिन किसको पता है कि इस फोटोशूट के दौरान एसी ऑन थे या फिर ऑफ। खिलाड़ी कुमार और शिल्पा शेट्टी की नजदीकियों के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों ने कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल फोटोशूट्स भी करवाए थे, जिनमें से एक फोटोशूट है ह्यूमन टेलीफोन फोटोशूट। इस फोटोशूट में अक्षय कुमार एक टेलीफोन के रूप में नजर आ रहे हैं, और इसमें शिल्पा शेट्टी अक्षय कुमार के पैरों को फोन समझ कर सुनती हुई नजर आ रही हैं। माना कि उन दोनों मोबाइल वैरायटीज ज्यादा नहीं हुआ करती थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जिंदा इंसान को ही टेलीफोन बना दो। वो नेशनल टीवी पर आके कहती है कि मैं दुनिया इस देश की लड़कियों को कहती हूँ कि कभी यहाँ मत आना, यहाँ पर हैवान है और यहाँ पर शैतान है। बॉलीवुड में एक टाइम पर कुछ ऐसे फोटोशूट भी वायरल हुए थे जिसमें एक्टर्स को सेमी न्यूड देखा गया था, और इन फोटोशूट्स में से एक फोटोशूट था आदित्य पंचोली का भी। इस फोटोशूट में आदित्य पंचोली एक कार्डबोर्ड के बीच क्लोथलेस नजर आ रहे हैं। आदित्य पंचोली के इस फोटोशूट को देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि आमिर खान की फिल्म पीके का पोस्टर आदित्य पंचोली के इस फोटोशूट से इंस्पायर्ड होगा, और पीके के पोस्टर को देखने के बाद आदित्य पंचोली ने यही सोचा होगा कि अभी हम जिंदा हैं। दे देता है और बदले में कभी कभी जान ले लेता है। बॉलीवुड के मोस्ट फेमस विलन्स में से एक शक्ति कपूर अपनी पर्सनैलिटी और चार्मिंग लुक्स के लिए जाने जाते थे। शक्ति कपूर ने अपने जवानी के दिनों में कई कॉन्ट्रोवर्शियल फोटोशूट करवाए थे, और उन फोटोशूट्स में से एक था उनके सेमी न्यूड फोटोशूट। जब ये फोटोशूट वायरल हुआ था तब शक्ति कपूर को अच्छी खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। एंड देन फाइनली वन डे चिची कॉल्ड मी एंड सेड, यू नो रवीना, वी हैव टू वर्क टुगेदर, देयर इज दिस अमेजिंग स्क्रिप्ट हरमेश जी की, यू मस्ट हियर इट। एंड आई थिंक दैट्स हाउ वी मस्ट मस्ट गर्ल रवीना टंडन इस फोटोशूट में ऐसी लग रही हैं जैसे वो खतरों के खिलाड़ी का ऑडिशन दे रही हों, और अगर ऐसा है तो वो ऑलरेडी इस शो के लिए सिलेक्ट हो गई हैं। इस फोटोशूट में रवीना टंडन एक स्नेक के साथ पोज देती हुई नजर आ रही हैं, और इस फोटोशूट को देखते वक्त हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि किसको किससे डर लग रहा है, रवीना टंडन को स्नेक से या फिर स्नेक को रवीना से। खैर, इस फोटो को अगर आप थोड़ी देर तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेकंड ऑप्शन ही राइट है। आप जब बोलेंगे तो हम लोग आपके लिए लाइन लगा देंगे लड़कों की, बेटे को बोलता है लड़कियों की, क्योंकि आप दोनों बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे। शक्ति कपूर के इस फोटोशूट को जिसने भी देखा होगा उसने यही सोचा होगा कि आखिर शक्ति कपूर कहना क्या चाहते हो। इस फोटोशूट में एक्टर बिल्कुल इजिप्शियन लुक दे रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नहीं नहीं भाई भाई नहीं बनना चाहते। इस फोटोशूट को अगर गौर से देखा जाएगा तो देखने वालों को ये लगेगा कि शिल्पा शेट्टी करने वाली हैं, और इसे देखकर अक्षय कुमार अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। और इस फोटोशूट में दोनों ने जो एक्सप्रेशंस दिए हैं उनके तो क्या ही कहने, ऐसा लग रहा है कि चलिए छोड़िए इस बात को जाने देते हैं। Works, it gives other people more confidence to make their product. Not that, oh God, this didn't do well, so maybe we should keep this script back and make something else. अगर माधुरी दीक्षित आपकी फेवरेट एक्ट्रेस हैं और बनाना आपका फेवरेट फ्रूट, तो इन फोटोज को पसंद करने के लिए आपके पास दो वजह हैं।
लेकिन शायद हमारे पास एक भी नहीं। इस फोटोशूट को करते वक्त पता नहीं किस महान कॉस्ट्यूम डिजाइनर को ये आइडिया आया होगा, और जिसने भी माधुरी का इस लुक को अप्रूव किया होगा उसको 21 तोपों की सलामी। दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। सलमान खान के इस फोटोशूट को देखने के बाद एक्टर के फैंस ने यही सोचा कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से सलमान खान को एक वेल्डिंग वाला बनने का आइडिया आया होगा। चलो आइडिया आया तो आया, लेकिन इस लुक में फोटोशूट कराने की क्या जरूरत थी? आज ये बात खुद सलमान खान भी नहीं जानते होंगे। तो ये थे कुछ बॉलीवुड सेलेब्स के वायरल फोटोशूट्स जिनकी वजह से उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। आपका इनको लेकर क्या सोचना है बताएं हमें कमेंट्स में। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी फिल्मी कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नहीं नहीं भाई नहीं बनना चाहते।